ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। अब उसके आगे से शुरू करना है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब व्यावसायिक संरचना या फिर उद्योगों के अनुसार श्रम बल या कार्य बल का वितरण, जो मतलब कि किस तरह के उद्योग में कितने लोग काम कर रहे हैं, परसेंटेज क्या है लोगों का, परसेंटेज ऑफ पीपल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग, द्वितीयक क्षेत्र के उद्योग और तृतीयक क्षेत्र के उद्योग में कितने प्रतिशत लोग कार्य में लगे हुए हैं। तो अब व्यावसायिक संरचना में पहला है प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे संबंधित जो भी उत्पाद हैं, वानकी और लकड़ियाँ वगैरह जो काट के लाते हैं वो सब, मछली पालन, मत्स्य पालन, खनन और जो पत्थरों की जो ढुलाई वगैरह होती है, पत्थर वगैरह जो भी निकाले जाते हैं वो सब चीज़ें आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण शामिल है, यहाँ पे फैक्ट्री में वस्तुएं तैयार की जाती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इलेक्ट्रिसिटी गैस, वाटर सप्लाई, दीज कम अंडर सेकेंडरी सेक्टर एंड इंटरसी सेक्टर। ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज आर इंक्लूडेड। जो भी टर्शियरी सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र में हर तरह की सेवाएं शामिल होती हैं, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज सर्विसेज, जो भी व्यापार है, व्यापार हो गया, यातायात हो गया, भंडारण और बाकी जो सेवाएं हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी सेवाएं आ गई टर्शियरी सेक्टर में। अब ये ग्राफ बना हुआ है, तीनों सेक्टर में जो स्थिति है अपने देश की वो बताई गई है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्रीज 2017-18 का ये डेटा है। तो 31.5% वर इन टर्शियरी सेक्टर, 24.7% वर इंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर एंड 43.8% वर इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पे 2017-18 में क्या देख रहे हैं, 43.8% लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत थे, 24.7% लोग द्वितीयक क्षेत्र में और 31.5% लोग तृतीयक क्षेत्र में लगे हुए थे। अब प्राथमिक क्षेत्र पे हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, ऐसा क्यों है? एज हाई एज 43.8% ऑफ वर्कफोर्स इज इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर डोमिनेटिंग बाय फार्मिंग। प्राथमिक क्षेत्र में जिसमें कृषि का प्रभुत्व है, कृषि नहीं खेती का प्रभुत्व है, तो उसमें कितने लोग लगे थे, 43.8% 2017-18 में कार्यरत थे। इन टर्शियरी सेक्टर 31.5% पीपल वर एम्प्लॉयड, बट इन सेकेंडरी सेक्टर ओनली 24.7% पीपल वर एम्प्लॉयड। तृतीयक क्षेत्र में 31.5% लोग लगे थे और द्वितीयक क्षेत्र यानी जो इंडस्ट्री वाला सेक्टर है उसमें केवल 24.7% लोग लगे थे। इसका मतलब हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री कम है, हमारे पास, हमारे देश में उद्योग कम है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, द पीपल हु आर एम्प्लॉयड और लेस, जो इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय हैं ऐसे लोगों की संख्या भी कम है। सबसे ज़्यादा किस में है, एग्रीकल्चर में है। लार्ज सेगमेंट ऑफ वर्कफोर्स कंटिन्यूज टू डिपेंड ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज, मीन्स इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड
एक्टिविटी, ज्यादातर लोग हमारे देश में कृषि और संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज लो, मीन्स इनकम इज लो इन एग्रीकल्चर, वेज रेट्स आर लो इन एग्रीकल्चर, बट स्टिल पीपुल आर डूइंग जॉब्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज देयर आर नो अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। लोग जो हैं प्राथमिक क्षेत्र में मजदूरी कम होने के कारण, मजदूरी कम होने के बावजूद भी, उनकी आय कम होने के बावजूद भी, उत्पादकता कम होने के बावजूद भी लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योग हैं, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के जो भी सेवाएं या उद्योग हैं, उनमें ज़्यादा रोजगार उपलब्ध नहीं है, इसलिए लोग मजदूरी में यही काम कर रहे हैं। मतलब पीपल आर डूइंग लेस प्रोडक्टिव वर्क बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स इन अदर साइड, इन अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर डिस्पाइट इट्स लो प्रोडक्टिविटी रिवील्स दैट सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर हैव फेल्ड टू जनरेट एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब इससे क्या पता चलता है कि द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे हैं। सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर कुड नॉट प्रोवाइड जॉब्स टू ऑल, सभी को जॉब नहीं दे पा रहे हैं। सो इट मीन्स इन अवर कंट्री सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर आर इन बैकवर्ड सिचुएशन। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो है हमारे देश में क्या है, पिछड़े क्षेत्र में है, मतलब पिछड़ी पिछड़े हैं, ठीक है। इन एनी कंट्री एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स पीपुल गेट मोर जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। कोई भी देश हो, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, जैसे जैसे वो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, तो द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। सो बट इन आवर कंट्री वी आर सीइंग मोस्ट ऑफ द पीपुल, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपुल आर एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज। हमारे देश में प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारा देश आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। आवर कंट्री इज ए बैकवर्ड इकोनॉमी। सेकेंडरी सेक्टर लैगिंग बिहाइंड टर्शियरी सेक्टर पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज फेल्ड टू टेक ऑफ टू बिकम द लीडिंग सेक्टर ऑफ ग्रोथ। अब हमारे देश में ये जो द्वितीयक क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र की अपेक्षा कम लोगों को रोजगार देता है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे देश में इंडस्ट्रियां नहीं लगी हैं, उद्योग जो हैं नहीं लगे, विनिर्माण नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यानी हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लेवल में अभी नहीं आए हैं। और जितने भी देश डेवलप्ड हैं वो क्या हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हैं। जो भी देश विकसित हैं वो सब औद्योगिक देश हैं। सो द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट एज फास्ट एज इट शुड बी, जितना तेज होना चाहिए उतना तेज हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण नहीं बढ़ा है। अब इसके बाद, अभी तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन था सारे तीनों सेक्टर में, अब रूरल और अर्बन का अलग अलग देखते हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन रूरल वर्कफोर्स जो ग्रामीण कार्य बल है उसमें देखें 58.5% आर इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, 19.5 इन सेकेंडरी सेक्टर, 20% आर टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में 58.5% लोग नौकरी कर रहे हैं, द्वितीयक क्षेत्र में 19.5% लोग लगे हुए हैं, और तृतीयक क्षेत्र में गांव से 22% लोग लगे हुए हैं ग्रामीण। अब अर्बन वर्कफोर्स में, शहर वाले क्षेत्र में 7.8% आर इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, 28.9 इन सेकेंडरी सेक्टर, 63.3% इन टर्शियरी सेक्टर। शहरों में क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में 7.8% लोग लगे हुए हैं, द्वितीयक क्षेत्र में 28.9% और तृतीयक क्षेत्र में
63.3% लोग लगे हुए हैं। अब फिर गांव में सबसे ज्यादा लोग कहाँ लगे हैं? प्राइमरी सेक्टर में। अब ऐसा क्यों है? ठीक है, और शहर में सब लोग टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा हैं। अब वहां ऐसा क्यों है? देखो, वाइल दोज लिविंग इन अर्बन एरियाज आर एंगेज लार्जली इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, जो अर्बन एरियाज में हैं सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर में लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं? बट इन रूरल एरियाज पीपल आर गेटिंग मोर जॉब्स इन प्राइमरी सेक्टर। 58% पीपल आर डूइंग जॉब्स इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी सेक्टर में सब लोग लगे हुए हैं, 58% से ज़्यादा लोग वहाँ पे रोजगार पाए हैं, लेकिन शहर में क्या है, सेवाओं पे ज़्यादा रोल है। ठीक है, आप टर्शियरी सेक्टर इज टेकिंग अ लीड ओवर सेकेंडरी सेक्टर एज ए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। शहरी क्षेत्रों में जो सेवा क्षेत्र है वहाँ पर उद्योगों की अपेक्षा ज़्यादा रोजगार मिल रहा है। आप नीचे पढ़ेंगे इसके कारण क्या है। देखो, इन इंडिया ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म एंड रिलेटेड सर्विसेज आर डेवलपिंग फास्टर देन मैन्युफैक्चरिंग एंड एलाइड प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अपने देश में व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग और बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, टूरिज्म और इनसे संबंधित जो सेवाएं हैं वो बहुत तेजी से डेवलप हो रही हैं। इतनी तेजी से डेवलप हो रही हैं जितनी तेजी से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो मैन्युफैक्चरिंग में होनी चाहिए उससे ज़्यादा तेज चल रहा है सर्विस सेक्टर में। सो अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी आवर सर्विस सेक्टर हैज एक्सपेंडेड। हमारे देश में जो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, बहुत तेजी से आगे बढ़ा जब हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण होगा उसके बाद से। नाउ पीपुल आर कॉन्शियस अबाउट दियर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दियर लाइफ स्टैंडर्ड। आज लोग जो हैं शहरों में रहने वाले लोग अपने जीवन स्तर या जीवन गुणवत्ता के प्रति बहुत सचेत हैं। दे वॉन्ट टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज एंड दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन अर्बन एरियाज। दे वॉन्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। जो शहरी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं वो अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं तो हर तरह की सुविधा वो चाहते हैं, सेवाएं चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही हैं। हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, शिक्षा, स्वास्थ्य और टूरिज्म, पर्यटन, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। फिर गाँव में एग्रीकल्चरल ज़्यादा हैं बिकॉज इन रूरल सेक्टर नॉन फॉर्म जॉब्स आर नॉट अवेलेबल। गांव में गैर खेती की क्रियाएं नहीं उपलब्ध हैं, ज़्यादा जॉब नौकरी नहीं उपलब्ध हैं। पीपल आर मोस्टली इंगेज इन दियर फार्मिंग। लोग ज़्यादातर केवल खेती पे लगे हुए हैं। सेकेंड थिंग, लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर मीन्स पीपुल आर नॉट विलिंग टू लीव दियर विलेजेस इन सर्च ऑफ जॉब्स। लोग अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहते हैं कि नौकरी पाने के लिए, जॉब पाने के लिए गांव को छोड़ के शहर जाएं, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। मोबिलिटी कम होने की वजह से, मतलब गतिशीलता के अभाव की वजह से हमारे देश में लोग अपने रूरल एरियाज को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, तो रूरल एरियाज में अब जो चीज़ें अवेलेबल है वही करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल फीमेल वर्कर्स वर्कफोर्स। अब ये मेल फीमेल का हुआ, अभी तक पहले ओवरऑल था फिर रूरल अर्बन, अब ये मेल फीमेल का। देखो, मेल वर्कफोर्स, मेल में क्या है, पुरुष कार्यबल में, श्रम बल में 45% प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में 19.1% आर इंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर, 25.3% आर टर्शियरी सेक्टर एंड 16
10.6% इन अदर सर्विसेज। प्राथमिक क्षेत्र में जो पुरुष हैं 45% हैं, द्वितीयक क्षेत्र में 19.1% हैं, तृतीयक क्षेत्र में 25.3% और बाकी 10.6%। अब महिला श्रम बल में 57.3% आर इन प्राइमरी सेक्टर, 14.9% ऑन सेकेंडरी सेक्टर एंड 18.9% टर्शियरी सेक्टर, 9.6% अदर्स। 57.3% महिलाएं हैं प्राथमिक क्षेत्र में, 14.9% द्वितीयक क्षेत्र में, 18.9% तृतीयक क्षेत्र में, 9.6% बाकी अन्य क्रियाओं में लगे हुए हैं। तो ये जो है 2009 से 10 के बीच में है, 2009-10 का है। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं, ही ह्यूज परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स इज एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी एक्टिविटीज। महिलाओं में जो महिला कार्यबल है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में, यानी 57.3% प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो क्यों है, कारण क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन आर कन्फाइंड लार्जली टू रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं चलती हैं। दूसरा, मोबिलिटी ऑफ वेमेन इन रूरल एरियाज इज एक्सट्रीमली लो, गांव की औरतें जो हैं वो बाहर नहीं जा सकती हैं, उनमें गतिशीलता का अभाव है। दे वुड प्रिफर टू डू जॉब्स नियर टू दियर होम्स, क्लोज टू दियर होम्स इवन व्हेन द वेज रेट्स आर वेरी लो, चाहे मजदूरी की दरें बहुत कम हो उसके बावजूद भी महिलाएं क्या करेंगी, महिलाओं को अपने आसपास ही जॉब करनी है, अपने घर के आसपास दूर नहीं जा सकती हैं, इसलिए गांव में जो भी जॉब अवेलेबल है वही करेंगी। फिर प्राथमिक क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर में लगी रहेंगी। सेकेंड, परसेंटेज ऑफ मेन फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो वेरी हाई, 45%। अगर मेन का देखा जाए तो इसमें भी बहुत ज़्यादा है, 45% जो मेन है प्राथमिक क्षेत्र में लगे हैं। इसका भी वही कारण है, लैक ऑफ जॉब्स आउटसाइड एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज, मोस्ट ऑफ द पीपल इन अवर कंट्री आर लिविंग इन रूरल एरियाज एंड दियर द मेन एक्टिविटी, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर। हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर जनसंख्या निवास करती है और वहाँ पर कौन सा मुख्य साधन है रोजगार का, कृषि है, खेती है, तो वहीं प्राथमिक क्षेत्र में ही वो लोग कार्य करते हैं ज़्यादा। अब ऐसा क्यों है कि महिलाओं का परसेंटेज ज़्यादा है और पुरुषों का कम है प्राथमिक क्षेत्र में, वाई शुड लार्जर परसेंटेज ऑफ फीमेल इन रूरल एरियाज बी इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर कंपेयर्ड विद मेल फोर वर्कफोर्स। तो मेल तो कुछ ना कुछ तो बाहर चले जा सकते हैं, महिलाएं तो नहीं जा सकती हैं अपना गांव छोड़ गए। ओविंग टू दियर फैमिली एज वेल एज सोशल कॉन्स्टेंट, फीमेल वर्कर्स आर अनविलिंग टू माइग्रेट फॉर जॉब्स आउटसाइड दियर विलेजेस। अपने पारिवारिक समस्याओं के कारण, सामाजिक मान्यताओं के कारण, सामाजिक बाधाओं के कारण महिला कार्यकर्ता अपने गांव को छोड़कर माइग्रेट नहीं कर सकती हैं, दूसरी जगह पर जाके नहीं निवास कर सकती हैं, ठीक है। तो दे प्रिफर टू वर्क एट दियर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इवन फॉर ए लो वेज, भले ही कम मजदूरी मिल जाए लेकिन वो अपने घर के आसपास ही काम करेंगी। बट मेन वर्कर्स कैन गो आउटसाइड दियर होम, इन मेन वर्कर्स मोबिलिटी इज मोर देन वेमेन। मेन वर्कर्स में जो है औरतों की अपेक्षा ज़्यादा मोबिलिटी है, ज़्यादा मतलब गतिशीलता है, और महिलाओं में बहुत ही कम है, पूरे देश में बहुत कम है, लेकिन महिला पुरुष की अगर तुलना करें तो महिलाओं में बिल्कुल कम है, तो इस वजह से होता है। फीमेल वर्कर्स इन रूरल एरियाज आर अनविलिंग टू माइग्रेट फॉर आउटसाइड जॉब, गाँव की महिलाएँ जो हैं वो बाहर जाके काम नहीं करना चाहती हैं, दूसरे शहर में
the preference to work at their place of residence even for a low wage, तो इससे क्या होता है, फिर वो लोग कम मजदूरी में भी अपने घर के आसपास जहाँ भी हो जॉब करना चाहती हैं। हाउ एवर दे मस्ट वर्क टू सप्लीमेंट, लेकिन उनको काम तो करना ही है भले ही उनको मजदूरी कम मिले। तो इसलिए क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फीमेल वर्कर्स इन एग्रीकल्चर इज मोर, फीमेल वर्कर्स का एग्रीकल्चर में ज़्यादा घनत्व तो है या ज़्यादा शामिल हैं। अब 1947 से अब तक क्या हुआ है, ठीक है, हाउ मच चेंज वी हैव सीन इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर सिंस 1947, सिंस अवर इंडिपेंडेंस, अपने इंडिपेंडेंस से लेके अब तक क्या हुआ है। बहुत से जो स्टूडेंट हैं जब एग्जाम देते हैं तो वो नेट से सर्च करके उल्टा सीधा जो कुछ मिल जाता है वो लिख देते हैं, समझे, उसको एक बार भी पढ़ते नहीं है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आंसर में क्या लिखना चाहिए, वो जो मर्जी आए वो सब लिखना शुरू कर देते हैं, इधर उधर देखा बस, वहाँ सर्च करते हैं नेट पे और जो भी सबसे पहले साइट खुल गए उस पर लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये काम बंद कर दो, समझे, बोर्ड का एग्जाम देना है, एक बार कम से कम क्वेश्चन में क्या पढ़ रहा है ये भी नहीं समझते, उसमें लिखा क्या है क्वेश्चन में, बस सीधे आंसर लिखना शुरू कर दिए हैं। बहुत लोगों ने सब नेट से सर्च करके लिखा, 85% जो लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज में लगे हुए थे और एक जगह पे केवल 0 लिखना था, उसमें ब्रेक इवन पॉइंट की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, सब देख देख के केवल नेट से उतारा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है किसी को नहीं पता है। अब देखो चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर 1951 से 2017-18 के बीच में, प्राइमरी सेक्टर 1950-51 में 72.72% पीपल वर इन प्राइमरी सेक्टर, बट इन 2017-18 43.8%, मीन्स देयर हैज बीन सम रिडक्शन इन प्राइमरी एक्टिविटीज, मीन्स सम रिडक्शन इन परसेंटेज शेयर ऑफ वर्क फोर्स इन प्राइमरी एक्टिविटी, जो प्राथमिक क्रियाओं में लोगों का प्रतिशत भाग था या प्रतिशत जनसंख्या लगी हुई थी 1950-51 से 2017-18 के बीच में कुछ कम हुई है। 1950-51 में 72.72% थे, अब 43.8% हुए हैं। इन सेकेंडरी सेक्टर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स वाज 10.02%, नाउ इन 2017-18 इट इज 24.7%, 2017-18 में क्या हुआ 24.7% हो गया। इन टर्शियरी सेक्टर 17.26% वर एंगेज इन 1950-51, 1950-51 में तृतीय क्षेत्र में 17.26% लोग लगे हुए थे, आज क्या है 2017-18 में 2017-18 में 31.5% आर एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, एक प्राइमरी नहीं टर्शियरी सेक्टर में थे, तृतीयक क्षेत्र में 21.5% आज लगे हुए हैं, ठीक है। तो यानी उस टाइम पे द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड और बिफोर 1950-51 सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर वर नॉट डेवलप्ड, सो परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन प्राइमरी सेक्टर वाज मोर एंड इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर वाज लेस। उस समय 1950-51 के पहले और अंग्रेजों के पीरियड में, अंग्रेजों के काल में हमारे देश में द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, ज़्यादा उद्योग नहीं थे, तो इसलिए सभी लोग प्राथमिक क्षेत्र में ही ज़्यादा जॉब करते थे, द्वितीयक और तृतीयक में कम थे। अब लेकिन थोड़ा चेंज आया है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। ये रिपोर्ट किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक
ठीक है, तो चेंज आया लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में इंडस्ट्री और सर्विसेज ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इन डेवलप्ड कंट्रीज वी सी दैट इन द बिगनिंग मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, शिफ्ट स्लोली दे शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर, देन फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर टू टर्शियरी सेक्टर। जो विकसित देश हैं वहाँ पे क्या होता था, शुरुआत में सभी लोग प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं में लगे रहते थे, फिर धीरे धीरे जनसंख्या द्वितीयक क्षेत्र में शिफ्ट करती है, फिर धीरे धीरे तृतीयक क्षेत्र में वहाँ से शिफ्ट हो जाती है। तो हमारे देश में सभी को आवाज़ आ रही है सही से या नहीं आ रही है? क्लियर हो रही है आवाज़? तो डेवलप्ड कंट्रीज में पहले प्राइमरी सेक्टर में लोग, मतलब डेवलप का मतलब जब अंडर डेवलप्ड थे, ठीक है। इन बैकवर्ड कंट्रीज मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर एंड एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट गोज ऑन, पीपल शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज टू सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज, एंड इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज इन सर्विसेज इन टर्शियरी सेक्टर। शुरुआत में कोई भी देश हो जब पिछड़ा रहता है तो कहाँ पे एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र की होती हैं, कुछ नहीं रहता है, जंगल रहते हैं तो सब लोग खेती वगैरह करते हैं। फिर धीरे धीरे वहाँ से विनिर्माण वाले क्षेत्र में बढ़ते हैं, जैसे जैसे विकास आगे बढ़ता है जीडीपी ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे और जब डेवलपमेंट होता है और जब विकास होता है तो वो तृतीयक क्षेत्र में शिफ्ट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा विकसित देश हैं आज वहाँ पर सबसे ज़्यादा जॉब सेवा क्षेत्र में मिलती है, सबसे ज़्यादा जीडीपी सेवा क्षेत्र में मिलती है। ग्रेटर द शिफ्ट मीन्स ग्रेटर इज द पेस ऑफ ग्रोथ। जितना तेजी से ये शिफ्ट होगा, मीन्स शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर एंड फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर, जितना ज़्यादा होगा शिफ्ट, जितना ज़्यादा वहाँ से खिसकेंगे लोग, मतलब कि जॉब पाएंगे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में, इसका मतलब उतना तेजी से हमारे देश में समृद्धि चल रही है, आर्थिक समृद्धि हो रही है। बट इन अवर कंट्री दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो। हमारे देश में क्या हो रहा है, ये जो प्रक्रिया है बहुत स्लो है, बहुत मंद चल रही है, धीमे चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, हम उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हैं। द सुप्रीमेसी ऑफ प्राइमरी सेक्टर एज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स अनचैलेंज्ड। आज भी कोई भी उद्योग प्राथमिक क्षेत्र को एक रोजगार के प्रमुख क्षेत्र या घटक होने के रूप में चैलेंज नहीं दे पा रहा है, चुनौती नहीं दे पा रहा है। अब जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ का मतलब रोजगार विहीन समृद्धि। समृद्धि तो हो रही है लेकिन रोजगार विहीन। ग्रोथ मीन्स ग्रोथ इन जीडीपी, ग्रोथ इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ग्रोथ का मतलब यहाँ पे क्या है, उत्पादन की क्रियाओं में वृद्धि, उत्पादन में समृद्धि आना। समृद्धि का मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होना, ज्यादा से ज्यादा जीडीपी होना। जीडीपी कैन बी इंक्रीज व्हेन वी प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ गुड्स। जीडीपी कब बढ़ेगी, जब हम ज्यादा उत्पादन करेंगे। अब ज्यादा उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए, टू प्रोड्यूस मोर गुड्स वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वी हैव टू इंक्रीज द मशीनरी। या तो हम ज्यादा मशीनरी ले आए या फिर ज्यादा लोगों को रोजगार दे दें। अगर हमें ग्रोथ बढ़ानी है, हमें समृद्धि बढ़ानी है, इफ वी इंप्रूव टेक्नोलॉजी यूटेड मशीनरी, देन वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन, इंक्रीज द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अगर हम नए तकनीक का प्रयोग करें उत्पादन में तो ज्यादा तेजी से उत्पादन होगा। अगर ज्यादा तेजी से उत्पादन करना है तो हम क्या करें, एक तो काम हुआ कि हम टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करें, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू कैपिटल यूज करें। मीन्स वी शुड यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जो श्रम गहन तकनीक है उसका प्रयोग ना करें, बल्कि क्या करें, पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग ज्यादा करें। पहला तरीका ये है, दूसरा श्रम गहन तकनीक का प्रयोग करें।
तो हमारे देश में जॉब की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गई। ग्रोथ रेट ऑफ जॉब हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 1.5% टू 1%। जॉब की ग्रोथ रेट 1.5 से घट के हो गई 1% प्रतिवर्ष। एंड जीडीपी ग्रोथ रेट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 3.5% टू 8%। अब प्रेजेंट वाला ईयर छोड़ दें, अभी तो कोरोना की वजह से नेगेटिव में चल रहा है, जीडीपी बढ़ने की बजाय घट गई है। अगर प्रेजेंट ईयर को छोड़ दें तो हमारे देश में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 3.5% या 3.6% से बढ़ के करीब 8% तक पहुंच गई है। लेकिन रोजगार की समृद्धि दर क्या है? जीडीपी की तो समृद्धि दर बहुत तेजी से बढ़ गई है, लेकिन रोजगार की समृद्धि दर हो गई है 1.5% से घट के 1%। सो इट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द जीडीपी बाय यूजिंग ओनली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। केवल जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का ज़्यादा प्रयोग करके हम ग्रोथ कर रहे हैं। मीन्स वी आर इन द सिचुएशन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। हम लोग रोजगार विहीन समृद्धि की स्थिति में है, ठीक है। ग्रोथ हो रही है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी बहुत से बच्चे हैं वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। शेखर छोटू समझे, रोजगार नहीं बढ़ रहा है, केवल उत्पादन बढ़ रहा है, कोई दूसरे को पैसा नहीं देना चाहता है। अब मेहनत करनी पड़ेगी अगर रोजगार लेना है, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? Why there is jobless growth in our country? हमारे देश में jobless growth क्यों हो रहे हैं? Why we are relying more on technology and less on employment? हम तकनीक पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं और रोजगार पर क्यों कम भरोसा कर रहे हैं, क्या कारण है? Because growth process is under multinational corporation in private countries, in private companies, under private companies। हमारे देश में आज, हमारे देश की बात हो या कोई भी देश की बात हो, जो समृद्धि की प्रक्रिया है किनके हाथों में चली गई है? बहुराष्ट्रीय निगमों या निजी कंपनियों के हाथ में। these multinational corporations are targeting to increase their profit, they are working for profit maximization, and for this they are using new technology, sophisticated technology, जो भी नई से नई तकनीक आ रही है, बेहतर से बेहतर तकनीक आ रही है, उसका ये सारी कंपनियां प्रयोग कर रही हैं ताकि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा ना हो बल्कि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। हर कंपनी दूसरे को कम्पीट करना चाहती है, दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। एवरी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और प्राइवेट कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट्स ओन प्रॉफिट, एंड फॉर दिस पर्पस दे आर स्पेंडिंग मोर ऑन कैपिटल्स, दे आर स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनियां जो है रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं, ऐसे चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं जिनसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो अब उनका एम्प्लॉयमेंट देने से कोई मतलब नहीं है, रोजगार देने से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? प्रॉफिट से मतलब है। तो उसके लिए वो इन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जो मशीनरी वगैरह है उसका प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब ये कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन को अगले दिन करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, किसी को कुछ पूछ